नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है ये मायके क्यों नहीं जाती। मेरी लिखी हुई और नई कहानियाँ रोज पढ़ने और सुनने के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद। तनु जैसे ही अपनी बालकनी में कपड़े सुखाने गई, उसने नीचे देखा तो मिसेज वर्मा और मिसेज त्रिपाठी आपस में खुसुर खुसुर कुछ बतिया रही थी। उन दोनों की बातचीत में तनु को अपना नाम सुनाई दिया तो उसके कान खड़े हुए। उसने गौर से सुना तो उसे पता चला कि वो दोनों बातें कर रही थी कि तनु कैसी है देखो, उसे तो अपने मायके से जरा भी प्यार नहीं है। हम तो मायके जाने के लिए तरसते रहते हैं। मायके गए हुए 6 महीने होते ही दोबारा जाने का मन करने लगता है, लेकिन जरा इसे देखो, यह तो 3 सालों से अपने मायके गए ही नहीं। पता नहीं कैसे होंगे इसके मायके वाले। और तनु कैसी है जो अपनी जिंदगी जीने में इतनी मशगूल हो गई है कि इसे माँ बाप की चिंता ही नहीं होती। तनु ने यह सब बातें सुनी तो उसका मन पीड़ा से भर गया। जिस दर्द को इतने दिनों से बर्दाश्त कर रही थी, आज वह दर्द ताजा हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसे अपने मायके की याद नहीं आती है या वह मायके जाना नहीं चाहती, लेकिन अपने बेटे के साल भर पढ़ाई में लगे रहने की वजह से वह मायके नहीं जा पाती। और गर्मी छुट्टियों में पिछले 3 सालों से जब भी वह मायके जाने का प्लान बनाती है तब कुछ न कुछ हो ही जाता है। ऐसे में बीच में एक दो बार माँ पापा ही आकर उससे मिल गए हैं, लेकिन उसे अपने मायके जाने का मौका नहीं मिल पाता है। बस इसी बात के लिए सब उसे सुनाते रहते हैं कि उसे मायके से कोई प्यार ही नहीं है। एक बार जब गर्मी की छुट्टियों में उसने मायके जाने का प्लान किया तभी बेटे की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वह जा ही नहीं पाई। दूसरी बार उसके पति को टूर पर जाना पड़ा तो यहाँ पर सास ससुर को अकेले छोड़कर वह कैसे जा सकती थी। उसकी कोई ननद भी तो नहीं थी जिसे वह बुलाकर खुद चली जाती। और तीसरी बार जाने की तैयारी में टिकट भी निकाल लिया था, लेकिन जाने के 2 दिन पहले ही सासू माँ की तबीयत खराब हो गई और वह हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। अब कोई सहयोग ही नहीं बन रहा था जाने का, तो इसमें उसकी क्या गलती। लेकिन दुनिया वालों का क्या है, वह तो बस बातें बनाना जानते हैं। दूसरे की मजबूरी या तकलीफ तो उन्हें दिखाई ही नहीं देती, या तो वह देखना ही नहीं चाहते हैं। दोस्तों, मायके ना जा पाना किसी की मजबूरी हो सकती है, शौक नहीं। आपके क्या विचार हैं, प्रतिक्रिया अवश्य दें, धन्यवाद।